हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरी सोसाइटी आज का हमारा टॉपिक जो है वो तीसरी वीडियो है हमारी इससे पहले हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वो अपलोड किया गया था उसके बाद ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन पीरियड और आज वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही है मिडिल इंग्लिश पीरियड ये पीरियड 1066 से स्टार्ट होकर 1500 तक है 1066 व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स डूक ऑफ रोमन नेम्ड विलियम्स चैलेंज्ड हेरल्ड किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन इन दोनों के में फाइट हुई और विलियम्स ने हेरल्ड को शिकस्त दी विलियम डिफीटेड हेरल्ड एंड इन द रिजल्ट विलियम बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड नाउ लैंग्वेज ऑफ द कंट्री वॉज द लैंग्वेज ऑफ द रूलर ये रूल था कि जो कंट्री की लैंग्वेज होगी वही रूलर की लैंग्वेज होगी फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट पार्लियामेंट एंड इलीट सोसाइटी इलीट सोसाइटी में स्कूल लिटरेचर ये सारे इंक्लूड थे और ये लैंग्वेज जो है ये ऑलमोस्ट थ्री सेंचुरीज तक अराउंड थर्टीन थर्टी सिक्स तक रही कॉमन पीपल डिड नाट चेंज देयर लैंग्वेज वहाँ पे जो कॉमन पीपल थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं चेंज की वो उसी के साथ क्लिंग रहे स्टिक रहे अब नॉर्मंस और एंग्लो एंग्लो जो है उनके से एंग्लो नॉर्मल जो है वो पीरियड वजूद में आया वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स से थर्टीन तक ये दोनों आपस में मिले और एंग्लो नॉर्मन जो है वो बन गए अब एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सेक्शन जो है इनके आपस में यूनाइट होने से इकट्ठे होने से इन बिटवीन लैंग्वेज जो है वो बनी जिसको मिडल इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है मिडल इंग्लिश पीरियड जो है वो तीन जो है डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है 1066 से 1340 फोर्टी आल्सो कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन पीरियड जिसमें एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है वो लिखा गया 1340 से 1400 हंड्रेड तक एज ऑफ चौसर कहा जाता है एंड 1362 सिक्सटी टू इंग्लिश बिकेम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और इसमें जो वर्क था वो ईस्ट मिड लैंड डायलैक्ट पे लिखा गया यानी इसमें ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को यूज किया जाता था वर्क में एंड फोर्टीन हंड्रेड टू फोर्टीन एटी फाइव इज कॉल्ड बैरन पीरियड जैसे कि हम स्टार्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया गया था कि इसको बैरन पीरियड क्यों कहा जाता है अब वहां पर जो नॉर्मल्स थे वो अपने आप को मास्ट मास्टर्स जो है वो कंसिडर करते थे और शो करते थे टूवर्ड्स सेक्शन जो सेक्शंस थे उनको सर्वेंट्स के तौर पर ट्रीट करते थे और जो सेक्शंस हैं वो हेटेड रखते थे टुवर्ड्स नॉर्मंस लेकिन आफ्टर सम पीरियड्स नॉर्मंस एंड सेक्शंस दे गॉट यूनाइटेड इनके दरम्यान में फ्रेंडशिप हो गई एज वी सी एज वी से ये इन दोनों के दरम्यान में यूनिटी हो गई एंग्लो नॉर्मन पीरियड वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स से थर्टीन फोर्टी तक है जिसमें ये कुछ वर्क लिखा गया बाय और बाय औरम और लव रियोन बाय टॉमस ऑफ एल्स द आउल एंड द नाइटन गेल और इसमें जो मिट्रिकल रोमैंसिस हैं नॉर्मल ब्रॉट रोमैसेज टू तो इंग्लैंड लव शिवलरी रिलीजन ये रोमैसेज जो हैं ये नॉर्मन्स जो हैं ये इंग्लैंड में लेकर आए

बल्कि बाद में थर्टीन सिक्सटी टू सिक्सटी सेवन सेवेंटी बाद में भी ये प्लेग आया और इसमें काफ़ी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई देन अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट हंड्रेड डेज ऑफ वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस थर्टीन थर्टी सेवन टू फोर्टीन फिफ्टी थ्री एडवर्ड थ्री रेन विच वॉज कंसिडर्ड अ ग्लोरियस पीरियड रिचर्ड टू रेन विच इज़ कॉल्ड ट्रबल सम पीरियड एनदर इट रिवोल्ट इन थर्टीन एटी वन विच इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलर रेबिलियन डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म का इसमें डिक्लाइन हुआ ग्रोइंग पावर ऑफ लेबर क्लास जो लेबर क्लास थी उनकी पावर जो है वो बढ़ती गई क्योंकि हंड्रेड वार और प्लेग जो पीछे हम पड़ चुके हैं उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से आबादी बहुत कम हो गई और लेबर जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती थी तो इनकी आपस में यूनिटी हो गई और लेबर क्लास जो है उसकी पावर में इजाफा हो गया थर्टीन फोर्टी टू फोर्टीन हंड्रेड इज़ कॉल्ड एज ऑफ चौसर आई विल शेयर माई वीडियो ऑन एज ऑफ चौसर मनूट डिटेल विल बी शेयर कंप्लीट वीडियो विल बी शेयर्ड ऑन एज ऑफ चौसर पर पोइट आर गोवेन पोइट इन्होंने ये कुछ लिखी पोइम्स सर ग्वेन एंड द ग्रीक नाइट अब इसमें फाइव पोइट्स हैं और चौसर एंड हिज कंटेम्परेज सबसे पहले चौसर के बारे में बात करते हैं ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा सेकेंड इज लैंगलैंड थर्ड इज जॉन विक्लिफ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन जॉन गोवर मैंवल मॉर्निंग स्टार ऑफ यहां पर गाइज में आपको दो इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट बता रहा हूं ये मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनासा जो है उसको राजा राम मोहन रॉय कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय जो है उसको इंडियन का जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसको ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनासा कहा जाता है नेक्स्ट इज विलियम लैंगलैंड ही रोट द वीयन ऑफ विलियम कंसर्निंग पीर प्लोमैन विविड सफरिंग ऑफ पेजेंट्स जो है इसमें वो इसकी विविड सफरिंग जो है वो बयान करता है पेजेंट्स की और पी दलो मैन इज अ सिंबल ऑफ क्राइस्ट हुड वर्किंग सिंसियर एंड आनेस्ट और इट वॉज रिटर्न इन एलिटरेटिव वर्स जॉन गोवर हु बेस्ट फ्रेंड ऑफ चार्सर ही रोड्स स्पेक्लम फ्रेंच फ्रेंच में इसने ये लिखी वॉक्स क्लेमेंटिसटिन में लिखी और कन्फर्सिव एमेंटिस इंग्लिश में लिखी जो कि बहुत लॉन्ग पोइम्स थी और इसमें ऑलमोस्ट वन टेल्स जो हैं वो इसने बयान किए ओ मॉरल गोवर चौस डेडिकेशन ऑफ टॉयलेस एंड क्रीसीड ये जो है वो गोबर के लिए जो है वो चौसज ने लिखा था चौसज ने इसको डेडिकेट किया था अपनी ट्रॉयलेस एंड क्रीसीड में नेक्स्ट इज विकल्प ये बेसिकली प्रोज राइटर था और इसने ट्रांसलेट की बाइबल इनटू मिडिल मिडल इंग्लिश मिडल इंग्लिश लैंग्वेज और इसको विकलिप्स बाइबल कहा जाता है जो कि लैंड डायलेक्ट में लिखी गई थी और उस वक्त लॉलर्ड मूवमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा रूज पे थी बहुत ज्यादा इनकी बात चर्चा था विकलेफ्स फॉलोवर्स जो हैं वो उनको लॉलर्स कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर नेक्स्ट इज मैंडिवल बेसिकली ये ट्रैवलर है और इसने इसका ये वर्क है वॉयज एंड ट्रैवलर ऑफ सर जॉन मैंडिवल चासर चासर ने चासर के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चासर के बारे में कंप्लीट वीडियो शेयर किया जाएगी इसमें इसका सारा वर्क जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसने थ्री पीरियड्स में चौसस का वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच पीरियड है जब चौसर जो है अपने यूथ में था अर्ली मैनहुड में था इसने ट्रांस, ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डीला रोज इसकी ट्रांसलेशन है इसने की बुक ऑफ डचेस जो है वो इसने लिखी एल एंड योलॉजी ऑन द डेथ ऑफ वाइफ ऑफ चौसस पैटर्न जॉन ऑफ गॉन्ट पटावा राइम जो है इसने अडोप्ट की ए बी सी आ द टू दिजन ये चौसस का फ्रेंच में वर्क है फिर इटालियन पीरियड है जब चौसज जो है वो डिप्लोमेट था और मुख्तलिफ जो है कंट्रीज़ वगैरह में जाता था तो वहाँ से इन्फ्लुंस लिया चौसस ने बुकैशो पेट्रार्क एंड डांटे से उनसे मिला और इस चौसेस के बारे में इसका इन्फ्लुंस जो है वो देखा जा सकता है क्री सीड, जो है, उसमें लिखा द हाउस ऑफ फेम यह भी इटेलियन वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वुमन यह भी इटेलियन वर्क है इंग्लिश पीरियड द कैंटरब रिटेल्स ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट में लिखा गया जो चौस्ट पॉपुलर वर्क है द कैंटरब्रिटेल्स अब जैसे ऊपर आया है राइम रॉयल रॉइम रॉयल बेसिकली क्या है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चार्सर और यह सेवन लाइन है विच इज रिटर्न इन आई एमबिक पेंटामीटर फोर्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड इज कार्ड बैरन एज जैसा कि डब्ल्यू एच हडसन ने इसको कहा था लॉन्ग बैरनएज नथिंग न्यू वॉज रिटर्न इमिटेटर्स एंड सक्सेस ऑफ चार्सर जो है इसमें आए जस्ट इमिटेशन जो है वो होती थी आफ्टर दैट देर आर सम इंग्लिश चौसेरियंस इसमें टॉमस ओक्लीव है टॉमस ओकलीव का जो है वर्क रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस द कंप्लेट ऑफ आवर लेडी जॉन लिडगेट द फॉल्स ऑफ प्रिंसेज द टेम्पल ऑफ ग्लास स्टीफन हाउस द एगजाम्पल ऑफ वर्चूज द पास टाइम ऑफ प्लेयर्स जॉन स्केल्टन वाई कम यू नॉट टू कोट कॉल एंड क्लाउड तो ये जो थे इंग्लिश चौसेरियंस जो थे उन्होंने अपना कुछ वर्क जो है वो लिखा जो आपके सामने पेश किया गया है उसके बाद स्कॉटिश चौसेरियंस हैं इसमें जेम्स वन ने द किंग्स स्क्वेर वो लिखा रॉबर्ट हैंड्रिसन ने इसका जो है ये बहुत पॉपुलर है द टेस्टिमेंट ऑफ ये बेसिकली सिक्वल था ट्रॉयस एंड क्रीसीड का जो कि चौसर ने लिखा था विलियम इसका वर्क गोल्डन एंड रास डांस ऑफ सेवन डेडली सीस एलेक्जेंडर बार्सक्ले इसका इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ फूल्स एंड एकोलॉग्स ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है फिर इसमें गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी ना इस पीरियड में ये जो हम मिडल इंग्लिश पीरियड का पढ़ रहे हैं इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी इन 1476 विलियम कैक्सडन इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड जो पहले मैन्यूस्क्रिप्ट जो था मैनुअल फॉर्म में जो है वो लिखा जाता था तो इसकी इससे ज़्यादा इतनी पॉपुलरिटी नहीं हुई इतना वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया था तो फोरटीन में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा इंग्लैंड में इन फोरटीन सेवनटी सेवन एन अदर इंपॉर्टेंट डेवेलमेंट चार्स द कैंटरबल्स जो थी ये प्रिंट हुई और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई इसकी वजह से क्योंकि इससे पहले मैनल में होता था तो जब कैंटरबल्स को प्रिंट किया गया तो लैंग्वेज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ गई स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस हुई so this was the this was all about middle english period so guys if you liked our videos please subscribe our channel share with your friends and don't forget to press the bell icon so that you could receive my all upcoming videos thank you and goodbye